आप सबके, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने जमान में रखे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, ये इंतहाई मज़ेदार बनती है और हमारे बकरीद की मुनासबत से मैं पसंदी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने 2 किलो पसंदे लिए और इनको मैंने इस तरह के पार्चों में लिखे, ये पतले पतले मैंने इस तरीके से बना लिए। आप चाहें तो ये गोश्त वाले को कह के उससे भी बनवा सकते हैं। मेरे पास खुद से गोश्त था तो मैंने खुद ही ये देखिए इस तरह के पतले से पार्चे इसके बना लिए। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो जाएगा दही जाएगा 1 प्याली। अच्छा, इसमें खशखाश जाएगी 2 टेबल स्पून। इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से रख लिया था। ये खशखाश जाएगी 8 से 10 बादाम है और पपीता 2 टेबल स्पून है पिसा हुआ, और पिसा हुआ गर्म मसाला है मेरे घर का पिसा हुआ है ये 1 टी स्पून। नमक मैंने 2 टी स्पून भर के लिया है, पिसा हुआ धनिया भी 2 टी स्पून है, लाल पिसे मिर्च भी ये भी 2 टी स्पून लिए, हल्दी 1/2 टी स्पून है, और ये मैंने पिपली ली है। ये देखें इस तरह की होती है, इसको मैंने 2 पिपली पीस ली है, तो इसका पाउडर ही मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी। लहसुन अदरक का पेस्ट ये 2 टेबल स्पून भर के जाएगा, और इसके पसंदों में जो मेन चीज़ जाती है वो है ये सरसों का तेल, ये मैंने 1.5 प्याली लिया है। इसको भी हम अभी मिक्स कर लेंगे इसमें अच्छे तरीके से। अच्छा, ये जो खशखाश और बादाम मैंने लिए थे, पहले मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने देखे ये खशखाश और बादाम का पेस्ट बना लिया है। अब इसमें सबसे पहले जो है पसंदों में लहसुन अदरक शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हमारे जितने भी ड्राई मसाले मैंने लिए थे ये सारे इसमें शामिल करेंगे। मैं आपको 2 किलो के हिसाब से बता रही हूँ, और आप अगर कम बना रहे हो तो आप उसके हिसाब से मसाले ले सकते हैं। ये पिसा पपीता, अच्छा पपीता भी लाजमी डालिएगा, इसको स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि इससे इसमें इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत जूसी से बनते हैं और गलते भी बहुत अच्छे हैं। पपीता डाल दिए, खशखाश और बादाम का पेस्ट है। अच्छा, खशखाश जो है वो आप इसमें पहले से धो के अगर ड्राई करके आप रखते हो, आपके पास मौजूद होती हो, तो खशखाश आप इसमें अलग से भी डाल सकते हैं जो है ड्राई की पिसी हुई भी। ये प्याज है, अच्छा मैंने ब्राउन प्याज भी ली थी, उस वक्त मैंने आपको नहीं दिखाई थी, तो ये प्याज भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मैंने 2 प्याज ली थी, उनको मैंने फ्राई करके रख लिया था। अब मैंने जो ऑयल दिया मैं इसमें से पूरा नहीं डालूंगी, 1/2 ऑयल जो है मैं इसके अंदर शामिल करूंगी, और फिर इसको अच्छे तरीके से हमें इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा, गरम मसाला जो है वो मैंने इसमें 1 टी स्पून लिया था, तो इस वक्त मैंने 1/2 टी स्पून डाला है गरम मसाला, पूरा शामिल नहीं किया है। ये देखें पपीता भी आपने लाजमी इसमें शामिल करना है, बहुत अच्छे बनते हैं, और इसको मैरिनेट करके लाजमी आपने रखना है। ये देखिए मैं अभी इसे 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको पकाना किस तरीके से है। बहुत आसान है, सामान आपके पास सारा मौजूद हो, आप पहले से रेडी करके रखिए। अच्छा, पसंद अगर आप नहीं बना सकती हो, आप फर्स्ट टाइम बना रही हो, तो आप जहाँ से आप गोश्त लेती हैं तो आप उनसे कह दें, वो आपको बहुत अच्छे से पसंद बना के दे देंगे। मैंने खुद ही बना लिए थे, अब मैं इसको देखें अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रख रही हूँ 3 से 4 घंटे के लिए, फिर उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस करते हैं। तो ये देखिए हमारे पसंदों को मैरिनेट हो गए, 4 से 5 घंटे हो गए हैं। अब मैं इनको देगची में डाल दूँगी। अच्छा, मैंने इसमें ऑयल देगची में कुछ भी नहीं डालना है इस पॉइंट पे, क्योंकि हमारे पसंदे जो हैं ये ऑलरेडी इसमें मैं ऑयल भी शामिल कर चुकी थी। बस अब हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए हल्के चूल्हे पर। अब ये देखें जो बाकी का जो है मेरे कचरे में मसाला लगा हुआ था, इसके अंदर मैंने पानी डाल के और इसके अंदर डाल दिया, बाकी दही और गोश्त सब अपना मसाला छोड़ेगा, और उसमें हमारे पसंदे 1-1.5 घंटा लगेगा गलेंगे। तो मैं इसको कवर कर लेती हूँ, फिर बीच बीच में आपको इसको दिखाती रहूँगी कि इसने कितना पानी छोड़ा और ये गल रहा है। तो ये देखिए 5-6 मिनट ही हुए हैं हमारे पसंदे के, और दही का कितना सारा पानी निकल के अलग हो गया, तो अभी इसी पानी में गलेंगे। मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देती हूँ कवर करके, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए पसंदे हमारे बेहतरीन किस्म के गल चुके हैं, और अब इसमें जितना मसाला बाकी है ये काफ़ी है इनके लिए। अच्छा, इसमें मैंने जो ऑयल डाला था वो आपके सामने ही डाला था। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें पिसी हुई हरी मिर्चें मैंने 3 अदद दी थी ये शामिल कर रही हूँ, और जो मैंने 1/2 टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ बचाया था ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। साथ ही बाकी मैं जो मस्टर्ड ऑयल मैंने इसमें डाला था, और मस्टर्ड ऑयल में आप लाजमी बनाइएगा, क्योंकि असल टेस्ट इसका तभी आता है पसंदों का। ये देखिए अब हम इसको थोड़ी सी देर और मिक्सिंग करके भूनेंगे। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने लास्ट में इसलिए डाली कि इनकी बड़ी अच्छी सी फ्रेश सी स्मेल आती है खुशबू लास्ट में, और अगर आप पहले डालें तो भी मैरिनेशन के वक्त तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये देखिए हमारे बेहतरीन किस्म के पसंद तैयार हो गए। अब आपके ऊपर है अगर आप कितना मसाला पसंद करते हैं, वैसे इसी तरह के गाढ़े गाढ़े से खाए जाते हैं। अच्छा,
साथ ही मैंने ये कोयला भी दहेने के लिए रख दिया है। अब मैं चूल्हा जो है इसका बंद कर देती हूँ और इसमें अब हम इस पॉइंट पे कोयले की धुनी दे देंगे। मैं कोयला इसमें रख देती हूँ, मेरे पास एक प्याली है, इसके अंदर मैं कोयले को रख के और इसको धुनी देती हूँ और उसमें थोड़ा सा ये मसूर दाल में डाल दूँगी। ये देखिए तेल भी अलग होना शुरू हो गया, मैं इसको कवर कर देती हूँ पानी के लिए। तो ये देखिए हमारी जो है पसंदों को बहुत अच्छे से धुनी भी लग चुकी है और बेहतरीन किस्म के तैयार हुए हैं। देखें ऑयल भी कितने अच्छे से अलग हो गया और इतनी ज़बरदस्त किस्म की इनकी खुशबू आ रही है ना, और इतने अच्छे गल गए, देखें कितने ज़बरदस्त हुए हैं। अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारे बेहतरीन किस्म के पसंदे तैयार हो गए, आप भी बनाएं खाएं। ये देखिए और इतने अच्छे जूसी और मसाले वाले बने हैं ना, आप लाजमी बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। ये देखें बेहतरीन किस्म के हमारे पसंदे तैयार हो गए हैं। इसको इस तरह लच्छे वाली प्याज के साथ मोटे मोटे रिंग्स आप काटें और उससे अच्छे तरीके से गार्निश करें। देखें बेहतरीन पसंदे तैयार हैं, इस टाइम पे गर्म बहुत है। मैं आपको एक छोटा पीस, ये देखें कितने अच्छे सॉफ्ट और जूसी ये बने, तोड़ के दिखा देती हूँ। तो आप भी बनाएं खाएं, इंजॉय करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।